हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स के आरएस अग्रवाल मैथ के एक्सरसाइज नंबर 8B जो पेज नंबर 132 में है, एक्सरसाइज का नाम जो है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्या देख रखा क्वेश्चन कि इफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है और यहां पर आपको बोल रहा है कि ए प्लस बी का मान निकालो। 2 नंबर बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालो, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहां पर कैसे सोल्यूशन करेंगे। 1 नंबर में ए प्लस बी और वैल्यू दिया हुआ, ए के जगह में कितना दिया हुआ 2, तो ए के जगह में 2 रखो प्लस बी के जगह में 3, और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 5, समझ में है ना। अब 2 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी निकालने बोल रहा है। क्या करना है, सिर्फ यहां पर ए के जगह में क्या रखना 2, और यहां पर तो पहले से स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। और यहां पर ध्यान रखना, देखो ए बी जब दो वेरिएबल, ये जो है ये वेरिएबल है और नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जब दो वेरिएबल आपस में डायरेक्ट अटैच रहे तो बीच में गुणा का साइन छुपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ए के जगह में क्या हो जाएगा ये 2, और गुणा बी के जगह में क्या हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10 आंसर हो गया, समझ में आया है ना। इससे भी आसान कुछ होता है क्या। चलो तीसरा नंबर में क्या देके रखा है, ए बी माइनस ए स्क्वायर। क्या बोले कि जब दो वेरिएबल आपस में अटैच रहे तो बीच में गुणा छुपा रहता है, यानी क्या हो जाएगा ए के जगह में सिर्फ 2 रखो गुणा बी के जगह में क्या रखोगे 3, और माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है कि नहीं, और 2 गुना 3 कितना हो गया 6, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9। अब यहां बोलो क्या होगा, बोलो 6 माइनस 9, इसका मतलब ये कि 6 रुपया है तुम्हारे पास, 9 रुपया कोई पाता है, लड़ाई मार करके 6 रुपया ले लिया, कहेगा और पाएंगे हम कितना पाएंगे 3 रुपये, तो क्या हो जाएगा -3, समझ में आया, कोई टेंशन नहीं ना। चलो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू ए के जगह में कितना 2, और -3 इंटू बी के जगह में 3, वही बात हो गया 2 गुना 2 हो गया 4, -3 गुना 3 कितना 9, तो यहां डालना 9, और 4 माइनस 9 कितना, कोई बोलेगा समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा -5 है ना, बड़ा वाला नंबर किस में है माइनस में है। इसको देखो क्या हो जाएगा, देखो 5 गुना ए के जगह में क्या 2, और ऊपर में एक मिर्गी लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर धर देना -2 गुना ए के जगह में 2 और बी के जगह में 3, कितना हो जाएगा 5 गुना 2 का स्क्वायर कितना रे 4, -2 दूना 4 3 12, 5 चौके 20 और -12 बराबर कितना होगा 8 आंसर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, और माइनस बी क्यूब में क्या 3 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या 6 है बुर्बक, 2 का क्यूब क्या 8, क्योंकि 2 को 3 बार गुना है 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और -3 का क्यूब 9 नहीं भूल देना, क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3 कितना हुआ 27, तो -27, और 8 माइनस 27 क्या बोलो कितना, तो इससे उसको घटाओ 17 में 8 गया 9 और यहां 1 -19,
समझ में आया? ठीक है, तो छाप लो, लेकिन समझ करके छापो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू क्या देख रखा है कि इफ एक्स इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वही जो बाप दादा के जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3x माइनस 2y प्लस 4z, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो क्या करना, सिर्फ जो वैल्यू दिया हो उसको धर देना वहां पर और जोड़ घटा कर लेना, है ना। जोड़ घटा तो पैदा ऐसे सीख करके आए हो, तो क्या होगा, 3 गुना एक्स के जगह में क्या धरोगे, 1 माइनस 2 इंटू वाई के जगह में 2 धरो, प्लस 4 इंटू और जेड के जगह में 5। अब गुना भाग करो, बोर्ड मास में पहले किसका काम रहे, लफवा है, पहले बोलता माइनस नहीं पहले गुना। तो 3 गुना 1 हो गया 3, माइनस 2 दूना 4, प्लस 4 5 20। ठीक है, अब यहां पर मिर्गी लग गया क्या, पहले इन दोनों को जोड़ना होगा। 3 रुपया तुम्हारे पास है, 4 रुपया कोई पाता है, अब 20 रुपया तुम्हारा मम्मी दी, कितना हुआ, नहीं पाएंगे सर, कैसे, 20 3 23 माइनस 4 कितना हुआ, 19, कितना हुआ 19 आंसर, समझ में आया। चलो दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखो का दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या करना, वही पुरन का बात, एक्स के जगह में 1 और मिर्गी लगा हुआ तो मिर्गी धर दो स्क्वायर, प्लस वाई के जगह में 2 और मिर्गी लगा हुआ तो धर दो, जेड के जगह में 5 यानी 5 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना 2, अरे बुरबक, 1 का स्क्वायर 1 क्योंकि 1 इंटू 1 1, और 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ 25 और 4 29 और 31, है ना, जितना देर में तुम हलवा खाओगे उससे ज्यादा पहले बन जाएगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देके रखा है, यहां धर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 और x के जगह में 1 बैठा तो 1 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू वाई के जगह में 2 बैठा हो तो 2 का स्क्वायर, प्लस z के जगह में 5 तो 5 का स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर 1, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4, प्लस 5 का स्क्वायर कितना रहे 25, और 2 इंटू 1 2, माइनस 3 चौके 12, अब प्लस 25, यहां क्या करोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 और 2 होता 27 माइनस 12, और यहां करोगे तो कितना आएगा, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1 बराबर 15 आंसर। खोपड़ी में घुसा, ऊपर का वाला मिटा दें, मिटा दीजिए सर, मिटा दे रहे हैं। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो एक्स के जगह में 1 तो 1 इंटू वाई के जगह में 2 बैठा तो प्लस, फिर वाई के जगह में 2 इंटू जेड के जगह में 5 बैठा, फिर माइनस जेड के जगह में 5 इंटू एक्स के जगह में 1 बैठा, ना कंटेरा तो नहीं हो रहा ना, अब 1 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 2 5 6 10 माइनस 5 1 5, और यहां जोड़ो 12 माइनस 5 बराबर 7 आंसर। ठीक है, अब पचन का नंबर देखो तो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर वाई और माइनस 5yz और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कोई बात नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा 2 और x के जगह में 1 तो बाप दादा के जमाने से आ रहा तो 1 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू वाई के जगह में 2 ही और z के जगह में 5, प्लस x x के जगह में 1 और इंटू वाई के जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर, समझ आ रहा ना, यहां से क्या होगा, वो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1
अब बोला टू होगा सर, नहीं रे वन होगा बुरब। माइनस पांच दूनी दस, पांच पचास, अब प्लस दो दूनी चार, वन इंटू फोर कितना हो गया, दो एक दो माइनस पचास प्लस चार, इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा तो छह माइनस पचास और कितना होगा माइनस चौवालीस होगा। समझ में आया, समझ में आया तेरे को। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन सिक्स नंबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसको मिटा देते यहां से, छाप लो सिक्स नंबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब यानी वन का क्यूब माइनस टू का क्यूब माइनस फाइव का क्यूब, और वन का क्यूब कितना रे, बोला थ्री सर, नहीं रे वन का क्यूब माने वन इंटू वन इंटू वन कितना वन, और माइनस टू का क्यूब कितना एट होगा, माइनस फाइव का क्यूब कितना था एक सौ पच्चीस, यानी पांच गुना पांच गुना पांच, पचे पच्चीस पंच एक सौ पच्चीस, यानी एक सौ पच्चीस खोपड़ी में घुसा, यानी वन माइनस आठ पांच तेरह माइनस एक सौ तैतीस बराबर माइनस एक सौ बत्तीस आंसर। समझ में आया, तो आज यहीं तक सबर करो, फिर कल देखेंगे, ठीक है। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।